हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स है हमारी सजेस्टिव गाइडलाइंस। क्या है ये? हमारी सजेस्टिव गाइडलाइंस जो हमें हेल्प करती है टू अचीव आवर गोल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बच्चों? प्रिंसिपल्स आर सजेस्टिव गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स आर सजेस्टिव गाइडलाइंस। किस चीज की गाइडलाइंस होती है बच्चों? जिससे कि हम अपने गोल्स अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके। तो जो हमें जो प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, दो जनों में पढ़ने हैं। पहले हेनरी फ्योल बाबा। हेनरी फ्योल बाबा को कहा जाता था फादर ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए और मोस्टली हमारी मैनेजमेंट इन्हीं के बेसिस के ऊपर होती है। तो और एक हमें पढ़ने हैं फ्रेडरिक विल्सन टेलर, FW टेलर के प्रिंसिपल। उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए और 8 हमें टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दी। वो बेसिकली साइंटिस्ट थे, वो जो हर चीज़ साइंस के एंगल से देखते थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। हेनरी फ्योल इज फादर ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे हमें। तो इसमें पहला प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हेनरी फ्योल का। पहला प्रिंसिपल बेटा डिविजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल बाबा कहते थे कि जब काम हमारे से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? काम को डिवाइड कर देना चाहिए। काम को डिवाइड कर देना चाहिए टास्क के अंदर और जॉब्स के अंदर। टास्क को डिवाइड कर देना चाहिए, मतलब जितना भी टोटल काम है उसे डिवाइड कर देना टास्क के अंदर और जॉब के अंदर। ऐसा करने से क्या होगा? अगर हम टोटल वर्क को टास्क के अंदर और जॉब्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से छोटे छोटे जो जॉब्स होंगे वो एक ही वर्कर करेगा और बार बार रिपीट करेगा। जब एक ही वर्कर बार बार रिपीट करेगा वो काम, तो क्या आएगा बेटा? उसको स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब आप एक ही काम बार 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 करते हो तो क्या आ जाती है? स्पेशलाइजेशन आ जाती है। और जब एक बंदे को स्पेशलाइजेशन आ जाती है तो वही काम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है। क्या होता है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है। तो जी हाँ बच्चों, फ्योल बाबा ने यही कहा कि जो जितना भी हमें वर्क है, अगर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें अपने वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए जॉब्स के अंदर और टास्क के अंदर। काम कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है बच्चों और मैनेजरियल भी हो सकता है। जब एक ही काम को बार 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 करेंगे तो क्या आ जाएगी बेटा? स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्पेशलाइजेशन आएगी। और रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट होगा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आउटपुट होगा। आपको पता ही है इफेक्टिव का मतलब और एफिशिएंट का मतलब। इफेक्टिव मतलब वर्क मस्ट बी कंप्लीट ऑन टाइम एंड एफिशिएंट मतलब मिनिमम कॉस्ट विद द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, केस स्टडी ऐसे आएगी इसके ऊपर कि ना भैया एक बंदा है वो कंप्यूटर असेंबल करता है। वो तो उसने अपने सारे काम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टास्क 1 असेंबलिंग, टास्क 2 लेबलिंग एंड टास्क 3 पैकेजिंग। और असेंबलिंग दे दी वर्कर 1 को, लेबलिंग दे दी वर्कर 2 को और पैकेजिंग दे दी वर्कर 3 को। तो ये उसने क्या किया, कौन सा प्रिंसिपल उसने फॉलो किया? तो आप कहोगे डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क से क्या होगा? वर्कर एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे। जब एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे तो उन्हें क्या आ जाएगी? स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। और जब स्पेशलाइजेशन आ जाएगी तो काम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और केस स्टडी इसके ऊपर बन सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तो कौन सा प्रिंसिपल लगाया है ऑर्गेनाइजेशन ने? आप कहोगे डिविजन ऑफ वर्क। हाँ जी बच्चों, अगला प्रिंसिपल हम जा रहे हैं। अगला प्रिंसिपल है बच्चों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है बेटा? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम बात करें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, कि किसकी पावर है हमारे पास डिसीजन लेने की। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रोडक्शन करनी है वो किसके पास डिसीजन है, तो जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है उसके पास अथॉरिटी है। तो सुपीरियर जनरली कमांड देते हैं बेटा अपने सबॉर्डिनेट्स को, इट इज कॉल्ड अथॉरिटी। तो हम कह सकते हैं, और सबॉर्डिनेट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू फुलफिल द ऑर्डर एंड कमांड। जो अथॉरिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऑफिशियल अथॉरिटी, एक पर्सनल अथॉरिटी। अगर हम बात करें ऑफिशियल अथॉरिटी क्या होती है, ऑफिशियल होती है अथॉरिटी टू कमांड, कि आपके पास पावर है अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड देने की। और ये होती है पर्सनल अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन। याद रखिए जो पर्सनल अथॉरिटी होती है पावर टू टेक डिसीजंस, ऑफिशियल अथॉरिटी होती है अथॉरिटी टू कमांड। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज ऑब्लिगेशन सबॉर्डिनेट, इट इज ऑब्लिगेशन सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटीज। यानी कि हर सबॉर्डिनेट को
क्या करना होता है, जो भी उसे काम सौंपा गया है उसे अच्छी तरह उसे परफॉर्म करने की ड्यूटी इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी काम आपको सौंपा गया है वो अच्छी तरह परफॉर्म करना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पढ़ाया और आपको होमवर्क दिया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अच्छी तरह से होमवर्क करो। अगर आप नहीं करोगे तो आपने रिस्पॉन्सिबल नहीं हो आप, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल थ्योरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल थ्योरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल थ्योरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंस मतलब इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। याद रखिए बच्चों, अगर ये प्रिंसिपल आता है तो डायग्राम जरूर बना के आना कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, इक्वल होने चाहिए का क्या मतलब है, कैसे आएगी केस स्टडी, अगर इक्वल नहीं होगा तो काम ढंग से नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों इसके ऊपर केस स्टडी कैसे आएगी, जरा ध्यान समझिएगा। मान लीजिए बॉस ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा कि आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कीजिए, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कीजिए, लेकिन प्रोडक्शन के लिए तो कह दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी है 1000 प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उनको उन्होंने अथॉरिटी नहीं दी, 1000 अथॉरिटी नहीं दी रॉ मटेरियल को परचेज करने की, रॉ मटेरियल को परचेज करने की अथॉरिटी नहीं दी। यानी काम करने के लिए अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं हो सकता। तो अगर हमारा एग्जांपल देखें कि बॉस ने प्रोडक्शन करने का ऑर्डर दिया कि 1000 यूनिट्स का ऑर्डर करो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन क्या नहीं दिया, अथॉरिटी नहीं दी, क्या किस चीज़ की, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कि अथॉरिटी नहीं दी, या फिर अथॉरिटी नहीं दी कि परचेज डिपार्टमेंट को कहा जाए कि आप हमें रॉ मटेरियल खरीद के दिया जाए, तो हमारे प्रोडक्शन कैसे होगी। तो यही एग्जांपल है कि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी यहाँ पे लेकिन अथॉरिटी कॉरस्पॉन्डिंगली नहीं दी, इसलिए काम पूरे नहीं होंगे, इसलिए काम पूरे नहीं होंगे। तो यही केस स्टडी आएगी बच्चों कि हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1000 यूनिट्स का उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया लेकिन अथॉरिटी नहीं दी गई, तो अथॉरिटी नहीं दी गई तो कहाँ से काम पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और केस स्टडी करते हैं बच्चों, एक और केस स्टडी इसमें कैसे आ सकती है, वाइस वर्सा केस स्टडी देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिल अथॉरिटी ज़्यादा दे दी गई है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं दी गई, तब भी नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स मैन को कहा गया कि आप 10 लाख की आप 10 लाख की सेल्स कीजिए, और जब सेल्स करेंगे तो क्रेडिट पीरियड यानी उधार दे सकते हैं, क्रेडिट पीरियड यानी उधार दे सकते हैं 1 मंथ का, क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं 1 मंथ का, मतलब इतना 1 मंथ सफिशिएंट था, 1 मंथ टाइम पीरियड क्रेडिट पीरियड का सफिशिएंट था, लेकिन हमने उसे कहा कि आप 10 लाख की सेल्स कीजिए, उसको अथॉरिटी दे दी कि आप क्रेडिट पीरियड दे दीजिए 2 महीने का। वैसे जो 1 महीने का क्रेडिट पीरियड सफिशिएंट था, वैसे 1 महीने का क्रेडिट पीरियड सफिशिएंट था, 1 महीने में आराम से वो 10 लाख की सेल्स हो सकती है, अगर किसी अपने डेटर्स को कहे कि ठीक है भाई 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 1 महीने के बाद आपको पैसे देने हैं, तो 10 लाख की सेल्स आराम से हो सकती थी, लेकिन हमने अथॉरिटी दे दी कि भैया ठीक है 2 महीने तक का क्रेडिट दे देना। तो बेटा 2 महीने का क्रेडिट देना इस ज़्यादा अथॉरिटी देना, इससे क्या होगा, बैड डेट होने के खतरे बढ़ गए हैं, डेटर में हमारा पैसा ज़्यादा ब्लॉक रहेगा 2 महीने का, उसका इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है बेटा। तो यानी कि सेल्समैन को यहाँ पे हमने कहा एक तरह से अथॉरिटी देनी चाहिए थी ओनली 1 मंथ सेल्स की, लेकिन हमने अथॉरिटी कितनी दे दी बेटा 2 मंथ सेल्स की, अथॉरिटी ज्यादा दे दी, जिसकी वजह से भी आगे नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। नेगेटिव इफेक्ट क्या आया बेटा, नेगेटिव इफेक्ट क्या आया कि भैया इससे बैड डेट होने का खतरा ज्यादा हो गया, अगर पैसा ज्यादा ब्लॉक हो गया, समझ आ गई बच्चों बात। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद रखिएगा जो दोनों केस स्टडी जो मैंने बताई उनको ध्यान में रखिएगा, और दूसरा जब भी ये प्रिंसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। एक और देखिएगा जो एक और मैं प्रिंसिपल करा रहा हूँ आपको, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जो प्रिंसिपल इक्विटी का कहता है वो कहता है इक्विटी डज नॉट मीन, यहाँ पे इक्विटी का मतलब बिल्कुल नहीं है इक्वल सैलरी। इक्वल सैलरी तो हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सैलरी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर सैलरी डिपेंड करती है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर सैलरी डिपेंड करती है, आपके स्किल्स के ऊपर टैलेंट के ऊपर, तो इक्वल सैलरी तो हो ही नहीं सकती है बच्चों। ये कहते हैं यहाँ पे इक्विटी का क्या मतलब है, या इक्विटी का मतलब है,
यहाँ इक्विटी का क्या मतलब बच्चे, यहाँ इक्विटी का मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बेटा एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, यहाँ पे जब मल्टीनेशनल कंपनीज में हर अलग अलग देशों के लोग काम कर रहे होते हैं, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। यहाँ पे इक्विटी का मतलब है देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन, हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, ठीक है जी। तो इक्विटी मीन्स रेफर्स टू काइंड एंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज, कि आपको अच्छा ट्रीटमेंट देना है अपने एम्प्लॉयज को। सैलरी डिपेंड अपॉन स्किल्स, सैलरी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, स्किल्स के बेसिस पे, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी, कोई हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे बेटा, कि आपके आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी और डिवोशन बढ़ेगी। बेटा इसके ऊपर केस स्टडी आती है, दो एम्प्लॉयज हैं, एक एक्स एम्प्लॉय है, एक वाई एम्प्लॉय है। एक्स इज अ मेल मेंबर, एक्स मेल है, वाई फीमेल है, लेकिन इसको हम सैलरी, दोनों का सेम एक्सपीरियंस है दो दो साल, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, इनको सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपये महीना, इनको दे रहे हैं 8,000 रुपये महीना, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? प्रिंसिपल इक्विटी, आप फीमेल के कारण उसे कम सैलरी दे रहे हो, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेट हो रहा है। ये आ सकता है बच्चों की एक लॉ फॉर्म है, उसके अंदर एक काफ़ी सीनियर एडवोकेट है, लेकिन वो फीमेल है, लेकिन उनको काम ना देके उनके जूनियर को काम सौंप दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, क्योंकि उनको फीमेल के कारण उन्होंने उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं दिया गया, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल इक्विटी। तो याद रखिए जो इक्विटी का मतलब है कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ किसी के बेसिस पे, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ठीक है जी। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो एम्प्लॉय आपकी तरफ लॉयल्टी रखेगा और डिवोशन रखेगा। तो जो इनके आप एक बार ही आप इनको पढ़ें और इनकी केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ें, नोट्स बनाएं और केस स्टडी बनाएं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा।